This is MD Wasim. Welcome to my channel Wasim Academy. Friends, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ environmental studies के एक important sections. Environmental studies के आज हम लोग questions करेंगे 21 से लेके 30 तक. इससे पहले इस videos में या पिछले हफ्ते के video में हम लोगों ने 1 से लेके 20 questions को solve किए थे. आज हम लोग 21 से लेके 30 questions को इसमें solve करेंगे. ओके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ईवीएस सेक्शंस. ऐसे तो ईवीएस सेक्शंस जो है आप लोग 6 से लेके 9 10th तक के बुक को फॉलो कीजिएगा, बट यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस ईवीएस का है जो सबको आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल को अब तक के सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूले फॉर लेटेस्ट वीडियोज एंड अपकमिंग न्यूज. और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पे ये पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा और बहुत सी अदर सब्जेक्ट का भी स्लाइड्स और पीडीएफ को शेयर किया जाता है और प्रीवियस ईयर पेपर भी. तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखें और अपने आप को अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कीजिए. तो क्वेश्चंस नंबर 21 है, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सीवेज वाटर इज बाय, यानी गंदा पानी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो अलग किया जाता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है. ऑप्शन नंबर 1 एरेशन, ऑप्शन नंबर बी प्री स्क्रीनिंग, या ऑप्शन नंबर सी डिसइंफेक्शंस, या ऑप्शन नंबर डी सल्ज रिमूवल. तो इस प्रोसेस को यानी गंदा पानी से अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर दिया जाए या हटा दिया जाए इस प्रोसेस को बोला जाता है डिसइंफेक्शन. ओके डिसइंफेक्शन. क्वेश्चंस नंबर 22 प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड, यानी कोई अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट है अगर उसको हम लोग बर्निंग कर रहे हैं जला रहे हैं तो इस प्रोसेस को इस तरीका को क्या कहते हैं. ऑप्शन नंबर 1 कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी इनक्रीनेशंस, ऑप्शन नंबर सी सेग्रीगेशंस, या ऑप्शन नंबर डी सैनिटरी लैंडफिलिंग. तो कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर चीज हो सॉलिड वेस्ट हो तो उसको अगर हम जला रहे हैं जला करके राख कर दे रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इनक्रीनेशन. ओके इनक्रीनेशन. नेक्स्ट वन इज नंबर 23 डिफॉरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय, जो डे बाय डे जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जंगल को काटा जा रहा है इसका क्या कारण है, क्या इसका वजह होता है. नंबर 1 है ऑप्शन ओवर पॉपुलेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी पॉपुलेशन ज्यादा हो जा रहा है और कल्टीवेशन को शिफ्ट किया जा रहा है जंगल में इसलिए डिफोरेस्टेशन हो रहा है. ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजिंग ऑफ डिमांड ऑफ फ्यूल एंड अदर रीजंस, ओके फ्यूल का जो डिमांड है बढ़ रहा है डे बाई डे, ओके और भी दूसरे वजह से भी. ऑप्शन नंबर सी ओवर ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट फायर, यानी ज्यादा से ज्यादा मतलब की मवेशी जानवरों को चराया जा रहा है और कभी कभी जंगल में आग लग जाता है तो ये सब तीनों कारण की वजह से डिफोरेस्टेशन कॉज हो रहा है. इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तीनों होगा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर 24 डैश इज एन एक्सलाइजर ऑफ लाइफ, इसमें से कौन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सलाइजर लाइफ है, जिंदगी का बहुत एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है. ऑप्शन नंबर 1 एयर, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी फूड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस. तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, ओके एयर वाटर एंड फूड. क्वेश्चन नंबर 25 डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन क्या हो रहा है डे बाय डे कम हो रहा है. ओके डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस क्या चीज को कम करता है, अगर जंगल को डेली काटा जाए हमेशा काटा जा रहा है तो ये क्या चीज को कम कर देगा. ऑप्शन नंबर 1 रेनफॉल यानी बारिश, ऑप्शन नंबर बी ड्राउट यानी सूखा पड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल वार्मिंग, या ऑप्शन नंबर डी सॉइल इरोजन. ओके तो डिफॉरेस्टेशन जनरली कम कर देता है बारिश को, यानी जिस एरिया में बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो जाए जंगल को काटा जाए एक बड़े पैमाने पे तो इस एरिया में बारिश कम होता है. ओके क्वेश्चन नंबर 26 द वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज, यानी अर्थ पे वाटर का वॉल्यूम कितना है. ऑप्शन नंबर 1 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, 1.5 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 1.8 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 2 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर. ओके तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर.
1.399 ऐसे है, लेकिन इसको 1.4 पॉइंट मान लिया गया है। तो अर्थ पे जो वाटर का जो वॉल्यूम है 1.4 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर। क्वेश्चंस में 27 डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज फिल्ड विद वाटर, कितना परसेंट वाटर अर्थ सरफेस पे फील्ड है, भरा है पानी से, अर्थ हमारा कितना परसेंट पानी से भरा है। ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन नंबर 1 67, ऑप्शन नंबर बी 77, ऑप्शन नंबर सी 87 या ऑप्शन नंबर डी 97। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 97, 96.5 है, बट इसको राउंड फिगर में 97 माना गया है। क्वेश्चन नंबर 28 डैश परसेंटेज ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन, यानी एक आदमी को, यानी पूरे जो अर्थ पे जो वाटर है मतलब कि पॉपुलेशन से, एक मैन को या पूरे मैन कितना परसेंट हम लोग वाटर को यूज करते हैं। तो ये 0.11 होगा, बट इसको राउंड फिगर में मान लिया गया है 1%। ओके, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी 1%, ए 1%। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 29, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। ओके, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, यानी बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, किस शहर में है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता या ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी कलकत्ता। ओके, बोटानिकल गार्डन भी है और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है आपको कलकत्ता, कोलकाता सिटी में। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 30, द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI was established in the year, यानी BSI जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये किस साल established हुआ था, क्राइम हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर 1 1870, ऑप्शन नंबर बी 1880, ऑप्शन नंबर सी 1890 या ऑप्शन नंबर डी 1990। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 1890, 1890 में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया established हुआ था। ओके, तो ये था टॉप 10 ऑफ EVS questions related to the upcoming exam and other state and sea dates. Okay, तो आप लोग अपने preparation को boost कीजिए और मेरे साथ यानी मेरे channel के साथ जुड़े रहिए। किसी भी किस्म का doubt हो, दिक्कत हो, तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं और WhatsApp group में अपना message कर सकते हैं कोई भी किस्म का doubt हो। और याद रखिएगा 10th November को मैं एक छोटा सा launch course को launch करने वाला हूँ। Please आप लोग उस course को आप लोग एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट पे खरीद सकते हैं और अपने प्रिपरेशंस को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।